हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन देंगे पीएम मोदी जी के ऊपर, वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं और इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी टेक्स कोविड वैक्सीन। तो फाइनली नरेंद्र मोदी जी जो है वो वैक्सीन लगवा रहे हैं और बाकी मजीद चीजें हम जानते हैं। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। तो वीडियो थोड़ी बहुत लेट हो गई है क्योंकि आज मैं बाहर गई हुई थी, तो उसकी वजह से व्लॉग भी हमने रिकॉर्ड किया है। तो सुबह हमारा व्लॉग आने वाला है, तो लाजमी आप लोगों ने देखना है। तो मैं अभी से ही बता रही हूँ कि हमारा व्लॉग आ रहा है और ये भी यकीनन मजे का होगा। इसमें आप लोगों के लिए सरप्राइज भी है। सरप्राइज क्या है वो आप कमेंट वीडियो में देखिएगा, क्योंकि आप लोग हमेशा से ही कहते हैं कि आप अकेले होते हो, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आपकी आप हमेशा जब भी बाहर जाते हो तो आपके साथ कोई ना कोई होता ही है। मेरे साथ कोई ना कोई होता ही है। उसका रीजन ये है कि घर में जब अकेली होती हैं, मम्मा अकेली होती हैं, तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि आप भी मेरे साथ चलो, थोड़ा सा चिलपिल कर लेना, घर में क्या बोर होना। तो ये सारी चीजें होती हैं। एनीवेज वीडियो की तरफ चलते हैं और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वन टू थ्री। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। दिल्ली के एम्स में वैक्सीन लगवाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और खुद उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। दिल्ली के एम्स में वैक्सीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगवा ली है। आज से दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है, 9 बजे से वैक्सीनेशन ये शुरू होगा। लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देखिए, खुद ट्वीट कर उन्होंने इन तस्वीरों को के जरिए बताया लोगों को कि वो भी अब वैक्सीनेशन का हिस्सा बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें दिल्ली के एम्स अस्पताल की हैं, जहां पर प्रधानमंत्री ने आज सुबह ही कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। दूसरा चरण जो कि आज से शुरू हो रहा है, उसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैक्सीन लगवाई। दिल्ली के एम्स अस्पताल की ये तस्वीरें, और खुद प्रधानमंत्री ने इन तस्वीरों के माध्यम से ट्वीट किया और बताया। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमें हमारे वैज्ञानिकों और डॉक्टरों पर गर्व है जिन्होंने शानदार काम किया है। तो दूसरे चरण की शुरुआत आज से होने जा रही है। कई खास बातें इसमें शामिल हैं। 60 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी आज से दूसरे चरण के तहत। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है एम्स में, दिल्ली के एम्स अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन का वो हिस्सा बने हैं। उन्होंने इस दौरान वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स का जिक्र किया और कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने शानदार काम किया है। तो एक तरीके से ये मैसेज देखिए, आपको हम वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी पहली डोज कोविड-19 वैक्सीन की एम्स में ले ली है। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के काम की सराहना उन्होंने की, और जिस तरह से वो लोगों से लगातार अपील भी करते आ रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन का हिस्सा बने, इससे घबराए ना। तो एक तरीके से ये मैसेज भी है। देखिए, इससे पहले भी लगातार वो देशवासियों से जब जब उन्होंने बात की कोरोना संक्रमण को लेकर या फिर कोरोना वैक्सीन को लेकर, उन्होंने हर बार इस बात का जिक्र किया, एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की। और ये तस्वीर उसी पॉजिटिव मैसेज का हिस्सा है जिसमें आप देखिए दूसरे चरण की शुरुआत आज होने जा रही है, और सबसे पहले उन्होंने वैक्सीन आज दूसरे चरण के तहत लगवाई प्रधानमंत्री ने, और ये मैसेज दिया। उन्होंने फिर से याद किया डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को, जिन्होंने बेहतरीन काम किया इस पूरे पैंडेमिक के दौरान। और यही मैसेज एक बार फिर उन्होंने इस तस्वीर के माध्यम से दे दिया है। दूसरे चरण की शुरुआत अभी भी जिन लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उन्हें ये तस्वीर आज देखनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने ये मैसेज दिया है। कई राजनीतिक दलों ने भी इसे लेकर उंगली उठाई थी और पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन कब लगवाएंगे, जिन्हें वैक्सीन पर भरोसा नहीं था, जो लगातार हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स पर सवाल उठाते रहे। आप उन्हें भी ये तस्वीर देखनी चाहिए और इन तस्वीरों के जरिए
पूरे देश भर को एक मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि आखिर ये वैक्सीनेशन जरूरी क्यों है। कोरोना से अगर इस जंग को जीतना है, इस संक्रमण को अगर जड़ से खत्म करना है, तो तमाम एहतियातों के साथ साथ आपको वैक्सीनेशन का हिस्सा भी बनना होगा। ये तस्वीरें उस डर को दूर करने के लिए एक संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से, जो वैक्सीन को लेकर तरह तरह के सवाल जिनके मन में उठते रहे, जो ये कहते रहे कि ये कितनी सेफ है, इसके नुकसान कितने हैं, ये कितनी इसकी एफिकेसी को लेकर सवाल उठते रहे, तो उन तमाम सवालों का एक तरीके से जवाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, देखिए उन्होंने खुद इस बात को लेकर जानकारी दी, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि कैसे आज वो उन्होंने पहला डोज कोविड 19 वैक्सीन का एम्स अस्पताल में लिया है। आज सुबह की ये तस्वीरें, अब से थोड़ी ही देर पहले प्रधानमंत्री ने इन तस्वीरों को ट्वीट करके ये जानकारी दी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. So guys, ये वीडियो थी जो कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर थी, और इस वीडियो में बेसिकली इन्होंने दिखाया है कि नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि मैंने वैक्सीन ले ली है और फाइनली मैं वैक्सीन जिन लोगों ने लगाई है मैं उनमें से ही एक बन चुका हूँ। सो ये एक बहुत ही अच्छा एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो नहीं लगा रहे या फिर जो लोग डर भी रहे होंगे, माइट भी डर रहे हों, उनके दिल में खौफ हो, तो इससे उन लोगों के भी दिल से बिल्कुल ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और अब वो लोग भी लगवाएंगे। और अब जो है वो सब लोग ही आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन वैसे भी लगवा रहे हैं, तो पीएम मोदी जी ने लगवा कर ये एक अच्छा मैसेज दिया उन तमाम लोगों के लिए कि वैक्सीन लगवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है और आप लोगों ने भी लगवाना है, मैंने भी लगवा लिया है। और ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है और भारत की जनता के लिए, आम जनता के लिए, कि उनके पीएम ने जो है वो वैक्सीन लगवा ली है। और इसके अलावा एक और चीज है बेसिकली कि हमारे पाकिस्तान में भी वैक्सीन जो है, आपको पता ही है कि कोरोना के बाद जो वैक्सीन का जो सिस्टम अब चल चुका है सॉरी, तो उसकी वजह से जो वैक्सीन की वजह से जो इतना हंगामा आराई हो रही है, बेसिकली लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान भी हैं क्योंकि हमारे पास जो वैक्सीन आ रही है वो पाकिस्तान ने तो बनाई नहीं है अपनी, लेकिन चाइना की तरफ से वैक्सीन आ चुकी है, भारत से भी इन लोगों के मामला चल रहे हैं, तो इसलिए कोई वैक्सीन का कुछ कन्फर्म नहीं है कि भारत से ये लोग लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि सार्क में भी इनका इशू हुआ था, मतलब कि इशू लाइक इनकी डिस्कशन हुई होगी डेफिनेटली, लेकिन वहां पर इस तरह से कोई बात नहीं की गई, जबकि हमारे पीएम को बोलना चाहिए था कि भाई वैक्सीन के बारे में कि हाँ वैक्सीन ठीक है, आप लोग जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और वैक्सीन दे दो यार, तो मोदी जी ने मना नहीं करना था, लेकिन वही बात है कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज में पता नहीं क्यों पीछे है। एनीवेज हमारी कंट्री में भी जो वैक्सीन है वो स्टार्ट तो हो चुकी है, लेकिन अभी मैंने सुना है कि नेक्स्ट वीक से ये होगा कि जो 65 प्लस इयर्स के लोग होंगे उनको जो है वो वैक्सीन लगाना स्टार्ट हो गई है, और मतलब नेक्स्ट वीक से हो जाएगी स्टार्ट, और उसमें लोग जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, लेकिन वही बात है कि वो वैक्सीन किसकी है, वो चाइना की वैक्सीन है, तो लोग उस चीज से बहुत ज्यादा डर रहे हैं कि वैक्सीन आए कि हम लगवाएं कि नहीं लगवाएं, इस तरह की वैक्सीन लगाने से क्या हम लोग मतलब कि हमारे लिए सही होगा कि नहीं होगा, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी लोग डरे हुए हैं क्योंकि चाइना की वैक्सीन है और चाइना की किसी भी चीज पे कोई भरोसा करता नहीं है आजकल के दौर में। तो अब ये है कि जैसे मोदी जी ने लगवाई है, वैसे इधर हमारी कंट्री में इमरान खान लगवा लेते हैं तो उससे ये होगा कि लोग जो हैं उनमें कॉन्फिडेंस अप होगा, अगर इनको लगता है कि ये वैक्सीन 100% ठीक है तो मुझे लगता है कि इमरान खान को भी लगवा लेनी चाहिए, अगर वो लगवा लेते हैं तो उससे ये होगा कि हमारी जो आम लोग हैं उनमें कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा कि ये जो न्यूज चल रही है बेसिकली ये खराब है और कुछ भी मतलब कि पीएम ने लगवा ली है तो इनके हम भी लगवा सकते हैं, तो उनको लगवानी चाहिए और उनके जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनको लगवानी चाहिए, मीडिया में अपने आप को इसी तरह से हाईलाइट करना चाहिए ताकि हमें भी पता चले और हम भी जाकर वैक्सीन लगवाएं, वो भी बिना मतलब कि जो हमारे दिल में डर है उसके उसको खत्म करके। सो खैर ये सारी चीजें हैं, बाकी अच्छी खबर है, गुड न्यूज है कि मोदी जी ने भी लगवा ली है, और लोग भी लगवा रहे हैं, सो ये बहुत ही अच्छी बात है जो जहां पूरी दुनिया को इन्होंने वैक्सीन दी है
और खुद भी लगा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर भी है। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देखकर, और खुशी हो रही है कि फाइनली मोदी जी ने भी वैक्सीन लगवा ली है। सो खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो गाइज, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज मी साइमा पीर ज़ादा, बाय बाय।